नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल हर कोई फास्ट फूड खाना ज्यादा लाइक करता है, लेकिन फास्ट फूड खाने से जो बीमारियां आजकल सामने देखने को आ रही हैं, हर किसी को फास्ट फूड से इतनी बीमारियां लग रही हैं, वहीं दूसरी ओर हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बच्चे और बूढ़े सभी खा सकते हैं। ओल्ड एज्ड इसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे खाते हुए हम वेट लॉस भी कर सकते हैं, तो बच्चे भी खाना इसे पसंद करते हैं और ओल्ड एज्ड भी। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूंगी। ये यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, इसको हम बॉयल करेंगे। बॉयल्ड वेजिटेबल रेसिपी है ये आज की हमारी। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, कुछ मटर, हरे मटर, गाजर, आलू, शलगम आदि, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और फूल गोभी। इसको हमने आज क्या करना है कि पहले कुछ मिनट के लिए इसे बॉयल कर लेंगे, फिर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे घर पर ही अपने हिसाब से नमक, काली मिर्च वगैरह डालकर हम इसको हल्का फ्राई कर लेंगे। जिन लोगों को ज्यादा फ्राइड सूट नहीं करता है, जैसे कि आजकल जो बीमारियां चली हुई हैं उसके हिसाब से लोगों को ज्यादा फास्ट फूड या ज्यादा ऑयली मिर्च मसाले वाला तला हुआ खाना नहीं उनको डाइजेस्ट होता है, तो उसके हिसाब से ये रेसिपी है, वो ये जरूर ट्राई करके देखें, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ये घर पर ही हम तैयार कर सकते हैं वेजिटेबल लेकर, इसे बॉयल करके हल्का सा इसे हम फ्राई करके थोड़े से कुकिंग ऑयल में। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने जैसे कि ये थोड़ी सी वेजिटेबल ली है, तो गैस की फ्लेम ऑन करके इसे मैं लगभग एक गिलास पानी में बॉयल कर लूंगी। इसको काटना नहीं है। टू पोटैटो, टू शलगम, ये कुछ मैंने गाजर के पीस लिए हैं, शिमला मिर्च ली है यहां पर मैंने आधी, फूल गोभी और पत्ता गोभी इसका छोटा छोटा पीस लिया है, ये हरे मटर छील लिए। ये सारी वेजिटेबल्स मैंने धो ली हैं अच्छे से यहाँ पर, तो इसे हम बॉयल होने के लिए कुछ मिनट के लिए रख देंगे। लगभग टू विसल में ये हमारी बॉयल होकर रेडी हो जाती है। ये बॉयल होने के लिए हमने रख दी है, लगभग इसे टू विसल लगेंगी, तो उसके बाद ये हमारी वेजिटेबल्स बॉयल हो जाएंगी। तो आइए अब हम देखते हैं हमारी वेजिटेबल्स बॉयल होकर रेडी हो गई हैं। देखिए ये हमारी सारी वेजिटेबल्स बॉयल कर ली हैं हमने, ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसे बारीक बारीक काट लेंगे और इधर दूसरी तरफ हम अपना तड़का रख देते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल एक पैन में डालेंगे, लगभग टू स्पून। जितनी देर में हमारा ये ऑयल गर्म होता है इतनी देर में हम अपनी वेजिटेबल्स काट लेते हैं। तो बारीक नहीं तो बहुत ज्यादा बारीक काटनी है और ना ही बहुत ज्यादा हमें मोटी रखनी है, जैसे हम घर पर वेजिटेबल्स बनाते हैं उसी हिसाब से इसे काट लेंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये हमारी वेजिटेबल्स बॉयल्ड वेजिटेबल रेसिपी। इस तरह से हम इसे काट लेते हैं।
आइए देखते हैं। आगे ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले जीरा, लगभग आधा चम्मच जीरा डालेंगे इसमें हम। जीरा चटकने के बाद ये सारी वेजिटेबल्स जो हमने बॉयल की थी उसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम इसकी लो कर देंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं बॉयल होने के बाद, तो घुल ना जाए इसलिए। तो अब हम अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक, ये आधे चम्मच से भी कम मैंने नमक डाला है इसमें, और थोड़ी सी काली मिर्च, हमारी बॉयल वेजिटेबल बनकर तैयार हो चुकी हैं। गैस ऑफ कर दूंगी मैं यहाँ पर ताकि आपको, तो हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।